आज हम चेक करेंगे कि सॉइल शुगर साल्ट वाटर में डिजॉल्व होते हैं या नहीं। अब हम शुगर मटेरियल बीकर स्पून बाउल सॉइल शुगर सॉल्ट अब हम इसमें डालेंगे। ये मटेरियल सभी मिक्स हो गया वाटर में वेटिंग फॉर सम टाइम। अब चेक करेंगे कि इसमें सैंड जो वाटर में मिक्स हुआ है या नहीं। देख सकते हैं इसकी सरफेस पे सैंड है, मतलब ये नॉट डिजॉल्व है। अब इसका देख सकते हैं कि इसमें शुगर नहीं है, मतलब ये डिसॉल्व है। साल्ट भी देख सकते हैं कि इसमें साल्ट नहीं है, मतलब ये डिसॉल्व है। सैंड देख सकते हैं डिसॉल्व नहीं है, और शुगर सॉइल्ट और सैंड साल्ट भी सॉल्ट। आप देख सकते हैं कि हमने इस एक्सपेरिमेंट देख लिया कि सैंड जो है वो पानी सॉल्व नहीं हुआ, और शुगर और सॉल्ट पानी में सॉल्व हो चुका है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हुआ।